हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ आज आपसे आपका प्रॉमिस पूरा करने के लिए। जो वादा मैंने आपसे किया था कि मैं ड्राई फ्रूट्स की जो है गचक बनाना आप लोगों को बताऊँगी, तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और ये देखिए, मैंने सामान आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल सकते हैं। और ये देखिए, छुहारे लिए हैं और वो मुनक्का मैंने आप लोगों को बता दी है। और 1 kg मुनक्का ली है मैंने, 1 kg छुहारे, 1 kg काजू ली है मैंने। ये देखिए काजू, काजू हमारा बहुत ही बड़ा साइज़ का है, मतलब बड़े साइज़ का काजू है, मीठा वाला। और जब भी आप ड्राई फ्रूट्स की जो है गजक बनाएं तो बड़े साइज़ का काजू लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद मैंने लिया है बादाम, बादाम भी हमारा 1 kg है, और बड़े साइज़ का ही आप बादाम लें, क्योंकि ये अच्छा ऑयली वाला होता है, अच्छा ऑयल इसमें निकलता है, और बहुत ही अच्छा पका हुआ दाना है, देखिए आप लोग। और इसके बाद अब हम लोग क्या दिखाती हूँ मैं आपको, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये किसा हुआ खोपरा मैंने लिया है, नारियल कद्दूकस किया हुआ। तो ये 250 ग्राम है, क्योंकि नारियल मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता। ये सफ़ेद मूसली है, ये भी 250 ग्राम है। तो ये सफ़ेद मूसली, या हमारे इधर धौरी मूसली भी इसको बोला जाता है, सफ़ेद मूसली है। इसके बाद में मैंने मखाना लिया है, और मखाना हमारे इधर तो मखाना ही इसको बोलते हैं, आप लोग इधर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं अब हम लोग। और यहाँ पर देखिए रिंकू, बिट्टू, क्योंकि मम्मी आई हुई हैं, आप लोगों को पता ही है, मैं बताना भूल गई कि मम्मी आई हुई हैं। मैंने बताया था आपको कि मम्मी आएंगी तभी हम लोग ड्राई फ्रूट्स की गजक या हलवा बनाएंगे, तो वही उसी के लिए सारा सामान जो है कट रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए क्या क्या काट रहे हैं। यहाँ पर मम्मी जो है बादाम काट रही हैं, और बारीक बारीक काट रही हैं देखिए। और इसके बाद ये जो सामान हमारा रखा ही हुआ है, और इसके बाद अब हम लोग जो है सारा सामान जो है इसी तरीके से कट कर लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने कढ़ाई में घी डाल लिया है, पिघल रहा है घी। और घी आप अपनी सूजी के अकॉर्डिंग डाल लें कि आपको कितनी सूजी जो है रखनी है। और ये देखिए सफ़ेद मूसली जो मैंने आपको बताई थी, उसका पेस्ट हम लोगों ने, मतलब पेस्ट सॉरी, इसको जो है हम लोगों ने पीस लिया है। और ये देखिए जो खारक मैंने बताई थी, छुहारा मैंने बताया था, उसको भी मैंने तोड़ करके बीज निकाल के और पीस लिया है पूरे को। देखिए कितना अच्छा गुड़ के जैसे हो गया है। और ये इस तरीके से, क्योंकि हमारे इधर क्या करते हैं बच्चे ड्राई फ्रूट्स में से निकाल करके फेंक देते हैं छुहारे को, इसलिए मैं पीस करके डालती हूँ। और ये देखिए सारा किराना जो है मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है मम्मी ने, हम लोगों ने। और देखिए सारी चीज़ों को, मुनक्का को भी कट कर लिया है क्योंकि बड़ी साइज़ की थी। तो ये देखिए सारा सामान कट हो गया है, और इधर अब मम्मी जो है मखाने को तेल में जो घी में जो है तलेंगी। तो ये देखिए सूजी 250 ग्राम ही मैंने ली है, सिर्फ 250 ग्राम सूजी ली है इसमें। और ये देखिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी की सूजी है, बड़ी वाली, जो कि प्रसाद बनाने के लिए आती है, वो वाली सूजी है। और अब हम इसमें मम्मी इसमें मखाना जो है फ्राई कर रही है। मम्मी के हाथ का बना हुआ हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब आप ऑपरेशन वगैरह कराएँ, या फिर जैसे कि कई लोग बच्चों का ऑपरेशन कराते हैं, लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग, तो इस तरीके का हलवा बना करके खाएँ। आपका किसी भी तरीके का ऑपरेशन हुआ हो तो इस तरीके का हलवा बना करके खाएं। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो है गजक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स की बराबर क्वांटिटी जो है डेली नहीं खा सकते, कभी ना कभी हमारा छूट ही जाता है। और जब हम इस प्रकार की गजक बना करके रख लेते हैं डब्बे में भर करके, तो वो जो है हम एक एक पीस निकाल करके डेली खा सकते हैं, और एक रूटीन बन जाएगा हमारा, और बॉडी को रोज़ एक ही चीज़ मिलेगी, तो वो उसको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा लाभकारी होगा उसके लिए। तो आप ज़रूर बना लें इस तरीके का जो है। तो ये देखिए, और नॉर्मली भी आप इसको बना करके रख सकते हैं, बच्चे या बड़े सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप डेली खाएँ इनको। और इसको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक होता है, क्योंकि हम इसमें नेचुरल चीज़ें मिलाते हैं। और मम्मी देखिए यहाँ पर फ्राई कर रही हैं अपने मखाने।
तो इसी तरीके से मम्मी जो है सारा मखाना जो है घी में फ्राई कर लेंगी। देखिए यहाँ पर सारा मखाना हमारा फ्राई हो गया है। अब मम्मी उसी घी में जो है सूजी को डाल देंगी और फिर अच्छे तरीके से इसको मंदी आंच में ही भूनेंगी। तो ये देखिए डाल रही हैं मम्मी, ज़्यादा सूजी थी मम्मी को, ज़्यादा लग रही थी, आधा केजी थी सूजी, तो 250 ग्राम ही मम्मी ने इसमें डाली होगी। तो ये देखिए कम ही डाली है उन्होंने, मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि 250 ग्राम ही बस मम्मी ने डाली है उनके अंदाज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से इसको हम लोग जो है भून लेंगे और इसको मंदी आंच में ही हमको भूनना है। आप घी की क्वांटिटी को ज़्यादा ही रखें ताकि ये थोड़ा सा गीला ही रहे, और घी तो फिर हमारे खाने में ही यूज़ होगा, इसीलिए आप घी की क्वांटिटी को ज़्यादा रखें। और मखाना फ्राई हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो क्या चल रहा है? और देखिए नाइट हो गई है, रात के बज रहे हैं 9:30 बज गया होगा, और हम लोग यहाँ पर हलवा बना रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया ही है सारा किराना वगैरह जो है हम लोगों ने कट कर लिया है। देखिए, और ये काजू कट कर ली है, ये बादाम और ये किशमिश, और इसके बाद में ये जो है सफ़ेद मूसली होती है वो हम लोगों ने जो है इसको पीस लिया है मिक्सर में, और इसके बाद घी में जो है इनको फ्राई करके मखाने को, और इनको भी जार में जो है पीस लिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सूजी भून करके और घी में अच्छे से इसको भून करके और इसमें जो है नारियल मिला दिया है। तो मम्मी बना रही हैं हलवा, और ये हलवा जो है मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि उनके पैर में जो है ऑपरेशन अभी करवा के आए हैं वो, तो उसके लिए बना रहे हैं। मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको, और मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है हलवा, तो उसी लिए बना रहे हैं, और ताकि थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन मिनरल्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हलवा वगैरह थोड़ा सा बना करके रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा थोड़ा सुबह शाम में कटोरी में रख के देने से आराम से खा लेते हैं, पाचक क्रिया अच्छी होती है, और ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है इस तरीके की चीज़ें खाने से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो देखिए मम्मी भी आ गई और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर हलवा। तो मम्मी है देखिए मेरी, और तो मम्मी आई हुई है, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगी हुई है पैर में चोट, तो इसलिए हम लोग हलवा बना रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा आधा काम तो हो गया है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि मेरा जो है आप ये वाला वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख पाएँ, और आप लोगों की भी हेल्प हो इसको, मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर कभी भी जैसे बीमार इंसान के लिए, किसी के लिए भी, तो आप इस तरीके का हलवा ज़रूर बना करके उसको खिलाएं तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। तो वही आज मैं बताने वाली हूँ आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो ये देखिए मम्मी ने एक गिलास पानी डाला है कढ़ाई में और इसमें डाल रही हैं आधा केजी बताशे। तो आप जितनी क्वांटिटी में सूजी लें उसकी दुगनी क्वांटिटी में जो है बताशे रखें और बताशे की चाशनी ही बनाएं। बताशे की चाशनी जो है बहुत अच्छी होती है और ये ठंडी नहीं करती है और गर्मी भी नहीं करती है, इसीलिए बताशे की चाशनी आप बनाएं, ये परफेक्ट है बिल्कुल इसके लिए। और जब भी हम इसको बनाते हैं तो इसी की चाशनी में बनाते हैं, बताशे की में। और ये देखिए मम्मी उसी कढ़ाई में जो है मतलब मम्मी इतने कम बर्तन भिड़ाती है ना किचन में, बहुत ज़्यादा कम, और इतनी आराम से काम करती हैं, बहुत अच्छे से मतलब स्पीड में काम करती हैं, बट बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी कि मतलब एक तजुर्बे के साथ में काम करती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। और इतनी जल्दी जल्दी काम करती हैं फिर भी ऐसा लगता है कि मम्मी ने बिल्कुल नहीं फैलाया है, सारा कुछ आराम से करती हैं। और हम लोग अगर किचन में इतना काम कर लेते ना तो सारा कुछ फैला देते। तो ये देखिए मम्मी ने जो है सारा सामान निकाली और बचे हुए मखाने थे उनको तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर मम्मी बोल रही हैं कि चाशनी देख लो आप, क्योंकि चाशनी बोल रही हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गजक बनाती हूँ ना, इसलिए चाशनी मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि अब जमने लायक हो गई है कि नहीं। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और मम्मी के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है किचन में, क्योंकि मम्मी के साथ ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं चाशनी में हल्का सा दूध डाल रही हूँ ताकि जो है चाशनी की गंदगी जो है हमें इसको साफ़ कर दे। और किस प्रकार से चाशनी की ये जो है उसमें जो गंदगी होती है उसको साफ़ करते हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना करके रखी हूँ, आप जाइएगा देखिएगा। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है वो चाशनी बनाने की। तो ये देखिए मम्मी ने सारा सामान जो है परात में मिला लिया है, क्योंकि सामान की क्वांटिटी ज़्यादा थी, पहले हम लोगों ने थाली में मिलाया था बट उसमें मिल नहीं पा रहा था। तो अब मम्मी बोली कि बड़ा बर्तन कुछ लेकर के आओ, बड़े बर्तन में मिलाएंगे, तो वही बड़े बर्तन में मम्मी सारा सामान इसको मिला लेंगी। तो ये देखिए मम्मी ऐसे करके मिला रही हैं सारा सामान, इसमें सारा ड्राई फ्रूट्स डाल लिया है, सूजी डाल लिया है, नारियल डाल लिया है, सब कुछ डाल लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मम्मी हाथों से मिलाएंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मम्मी मिला रही हैं, और इसमें टाइम ज़रूर लगता है बट बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बना करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा ड्राई फ्रूट्स हो, क्योंकि मैंने इनके लिए ज़्यादा टाइम के लिए बना करके रखा हुआ है कि ज़्यादा टाइम तक खा लेंगे और बच्चे भी साथ में ले लेंगे, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको रखा हुआ है। आप थोड़ी थोड़ी काजू बादाम लेकर के इसको बना करके देखें, रियली में बहुत टेस्टी लगने वाली है ये। तो आप बना करके इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट करें कि दीदी हमने बनाई थी और बहुत टेस्टी लगी थी। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए मम्मी ने यहाँ पर सारा कुछ मिला लिया है और चाशनी भी हमारी बिल्कुल बन करके है तैयार, मैं उतार करके ले आई हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे करके अब हम इसमें मिलाएंगे। और मम्मी ने इतनी बराबर क्वांटिटी में चाशनी बनाई है कि मतलब इसके लिए परफेक्ट है, बचेगी नहीं बिल्कुल भी, और देखना पूरी जम जाएगी। सुबह तक मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरी जम जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, बट मम्मी को बहुत देर किचन में हो गया है, बहुत देर से बना रही हैं मम्मी सारा सामान और थक गई हैं। तो ये देखिए, और मैं मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसको बनाने के लिए। और ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती है YouTube पर, क्योंकि ये याददाश्त के रूप में भी रहेगी, और एक मतलब पुराने लोग जो चीज़ें बनाते हैं ना वो चीज़ें हमको आजकल आती नहीं है, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, बट जो है मम्मी की ये याददाश्त मैंने ये वीडियो ये मेमोरी बना करके सेव कर ली है मैंने, अब हम कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको देख करके बना लेंगे। तो ये देखिए मम्मी के हाथों के जैसा स्वाद तो नहीं आ सकता, बट हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं बनाने की। तो ये देखिए मैं अब मिला लेती हूँ क्योंकि मम्मी का हाथ दर्द होने लगा है। ये देखिए सारा सामान बहुत सारा हो गया था ना, तो फिर ये देखिए कितने अच्छे से मिल रहा है। ज़्यादा चाशनी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, जितनी चाशनी है पूरी डाल देंगे, क्योंकि मम्मी ने उसी तरीके से बिल्कुल अंदाज़ पड़ता है, मम्मी को अंदाज़ समझ में आता है कि कितना क्या मिलाना है, बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं और उतना ही मिलाती हैं, कोई भी चीज़ को बेस्ट नहीं करती हैं ना ख़राब होने देती हैं। तो वही सब कुछ मैं मम्मी से सीखती हूँ और सीखने को मिलता है मम्मी से। और देखिए ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए पूरी चाशनी इसमें डल गई है आप लोगों के सामने ही। और ये देखिए
मतलब मैं ये कहूँगी कि मम्मी से जो सब कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, वो दुनिया में कोई और नहीं सिखा सकता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा बन जाए। लेकिन माँ की जो दुनिया है ना, वो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही पहचान है, जहाँ सुकून के साथ साथ एक, मतलब मैं ये कहूँगी कि क्या कुछ नहीं है उस दुनिया में, सब कुछ तो है। मतलब मम्मी के साथ में जो अनुभव, वो जो चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं ना, वो कोई और हमें नहीं सिखा सकता इतने अच्छे से। तो मैं देखिए मम्मी के साथ में ये सीख रही हूँ बनाना। मैंने खाया था मम्मी के हाथ का, बट अभी तक बनवाया नहीं था। इसको सीखना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो आज पूरा हो रहा है। और ये देखिए मम्मी गर्मा गर्म इसको दबा रही हैं, बोल रही हैं जल्दी जल्दी दबा दो वरना ये जम जाएगा। तो ये देखिए पूरी चाशनी मिल गई है, सारा सामान मिल गया है, अब सुबह तक ये बन करके हो जाएगा तैयार। तो चलिए अब हम इसको पूरी तरीके से सेट कर देते हैं और कट कर देते हैं। मम्मी बोल रही हैं कि इसको कट भी कर दो क्योंकि सुबह कटेगा नहीं, तो मैं इसमें लाइनिंग बना देती हूँ, क्योंकि ये गजक के जैसे तो कट होगा नहीं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े दाने हैं। तो इसी स्पून की हेल्प से मैं अलग अलग कर दूँगी ताकि सुबह निकालने में हमें दिक्कत ना हो। सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए गुड मॉर्निंग हो गई है और नाइट में हम लोग बहुत लेट सोए थे, आप मेरी आंखों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रात को मैंने आपको जो है, मतलब मैं एक तरीके से कहूँगी, क्या बोलूँ उसको, हलवा भी बोल सकते हैं, और हम उसको बर्फ़ी के जैसे भी जमाते हैं, और जैसा भी आप जो भी बोलना चाहें बोलें। और देखिए जम करके हो गया है तैयार, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी प्यारी जो है इसकी स्लाइसेस निकल रही हैं। देखिए रात को हम लोगों ने बनाया था, ये देखो बहुत टेस्टी दिख रहा है। एक्चुअली पीछे से लाइटिंग आ रही है, तो चलिए निकाल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से निकलेगा। और इसको खाने के इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊँगी कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये एक एक पीस करके हमने कट कर दिए थे, तो इस तरीके से निकल रहे हैं। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रियली में। देखिए कितना प्यारे, देखिए इतने बड़े बड़े पीस इसमें से निकल रहे हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ, या शाम को दूध के साथ, या सुबह में दूध के साथ, सुबह शाम अगर आप दूध दे रहे हैं किसी को तो उसके साथ में दें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जॉइंट्स के लिए। और जिनको जॉइंट पेन होता है या घुटनों का दर्द होता है, इस पर इस तरीके का बना करके आप खाएँ। तो ये दवाई ही है एक तरीके की, बट हम लोगों ने इसको गजक के रूप में जो है चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें सफ़ेद मूसली डाली हुई है और सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अलग अलग क्वांटिटी में डाले हैं, तो ये दवाई ही बन गई है एक तरीके से। तो आप इसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें और अपने लोगों को खिलाएं। और आप पको पक्का इसको बना करके खा करके और खिला करके तारीफ़ ही मिलेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कट कर लूँगी सारी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और जो न्यू लोग मुझसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी भाई बहन को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। और जो लोग मुझे देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनके लिए तो जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और बस यही प्रार्थना मैं आप लोगों से करती हूँ कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बस इसी के साथ आज के वीडियो का मैं करती हूँ एंड। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने इतना सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ। और ये देखिए कितनी प्यारी बर्फ़ी निकल करके आ रही है, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिखाती हूँ मैं पास से, अच्छे से कैमरा जो है पकड़ नहीं रहा है क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।